गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर जो मार्केटिंग है उसकी इम्पोर्टेंस की थी, मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस की थी, बट मार्केटिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो हमने की थी बिज़नेस के लिए और कंज्यूमर्स के लिए। बिज़नेस के लिए क्या इम्पोर्टेंस होती है एंड कंज्यूमर्स के लिए क्या इम्पोर्टेंस होती है। आज का जो वीडियो है उसके अंदर हमें डिस्कस करना है इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग ही करना है, लेकिन सोसाइटी के लिए क्या इम्पोर्टेंस है एंड नेशन के लिए क्या इम्पोर्टेंस है आज वो हम करेंगे। पहले हमने, अगर आपको इम्पोर्टेंस पूछी जाएंगी ना तो उसके अंदर चार ग्रुप्स होते हैं, तो चार ग्रुप्स में से पहले हमने बिज़नेस के लिए इम्पोर्टेंस देखी कि वो हमारे बिज़नेस के लिए, बिजनेसमैन के लिए कैसे फ़ायदेमंद होती है मार्केटिंग। दूसरा हमने जो है कस्टमर्स के लिए देखा, कस्टमर्स के लिए और कंज्यूमर्स के लिए आपके कैसे मार्केटिंग जो है वो फ़ायदेमंद होती है वो हमने देख लिया था। आज हमें सोसाइटी की जो इम्पोर्टेंस है, सोसाइटी के लिए जो इम्पोर्टेंस है मार्केटिंग की, वो अभी हमें देखना है। तो फर्स्ट है अवेलेबल प्रोडक्ट ऑन रिड्यूसिंग प्राइस। जैसा कि हमने पहले जब आपके कस्टमर्स वाली और जो इम्पोर्टेंस थी और जो मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर जो फंक्शंस थे उसमें हमने देखा था कि यहाँ पे इसमें मार्केटिंग में हमें क्या करना पड़ता है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कम प्राइस पे, रिजनेबल प्राइस पे हमें देना होता है। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट रिजनेबल प्राइस पे हमें कस्टमर्स को देना होता है, तो ये सोसाइटी के लिए फ़ायदा है कि उन्हें कम प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट उनको अवेलेबल हो रहा है। तो जो मैक्सिमम कस्टमर्स है, जो मिडिल क्लास होते हैं या लोअर क्लास के होते हैं जिनकी इनकम वगैरह कम होती है, तो वो भी उस प्रोडक्ट का जो है बेनिफिट ले पाएंगे। तो इस तरीके से सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद है कि उनको अच्छी क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो कम प्राइस पे उन्हें मिल जाता है। दूसरा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू सोशल वैल्यू, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू सोशल वैल्यू। जैसा कि हमें पता है कि इसकी वजह से क्या होता है कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ें कस्टमर्स को मिलती है। जब अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलेगी तो कस्टमर्स की हैबिट्स जो हैं, हैबिट्स में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा, उनके थॉट्स, कॉस्ट्यूम्स, सब चीज़ में जो है इम्प्रूवमेंट होगा। तो जब इम्प्रूवमेंट होगा तो जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो भी इम्प्रूव होंगी। फिर इसके बाद में थर्ड है इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मार्केटिंग के अंदर हमें बहुत चीज़ें करनी पड़ती है, उसको जो है होलसेलर को अपन बेचेंगे, रिटेलर्स को बेचेंगे, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हमें गुड्स को करना पड़ता है, उसको बहुत टाइम तक स्टोर करके भी रखना पड़ता है जो एक्स्ट्रा गुड्स होते हैं उन्हें, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, पैकिंग वगैरह करवानी पड़ती है, मार्केट में रिसर्च करवानी पड़ती है कि क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये सब काम करने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, होलसेलर ढूंढने पड़ेंगे, रिटेलर्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करने वाले लोग को ढूंढना पड़ता है, स्टोरेज कर सकें, फाइनेंस, मार्केट रिसर्च के लिए हम बहुत सारे लोगों को फिर एम्प्लॉयमेंट देते हैं। इन सब कामों के लिए हम बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो क्या होता है मार्केट में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है। फिर इसके बाद में फ्री फ्रॉम बैड कस्टम्स, बैड कस्टम्स जो मार्केट में बुरे कस्टम्स चल रहे हैं, जैसे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, तो यहाँ पे मार्केटिंग में तो आपको पता ही है कि ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट वगैरह की जो है ये सख्त मनाही होती है। फिर इसके बाद में एडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, ये सारी चीज़ें जो है मार्केट से धीरे धीरे कम होने लगती हैं, क्योंकि मार्केटिंग में हमें क्या करना होता है, एकदम प्योर और परफेक्ट जो कॉम्पिटिशन होता है वो हमें देखना होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये सब चीज़ें जो है ये धीरे धीरे मार्केट में कम होने लगती है। इंक्रीज़ इन परचेजिंग पावर, जैसा कि हमने देखा था इसकी वजह से, मार्केटिंग की वजह से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट रिजनेबल प्राइस में कस्टमर्स को अवेलेबल होता है, बहुत सारी वैरायटी में प्रोडक्ट मिलते हैं, वैरायटीज़ में प्रोडक्ट मिलते हैं, तो कस्टमर क्या कर सकता है, एक तो कम प्राइस भी है, क्वालिटी भी अच्छी है और वैरायटी भी बहुत सारी है, तो वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट को चूज़ कर सकता है कि उसे कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, तो कस्टमर की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाती है। तो ये तो हो गए हमारे सोसाइटी के, पांच ही इम्पोर्टेंस थी सोसाइटी की देखी जाए तो, एक तो अवेलेबल प्रोडक्ट ऑन रिड्यूसिंग प्राइस, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू सोशल वैल्यूज, थर्ड है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, फोर्थ है फ्री फ्रॉम बैड कस्टम्स एंड फिफ्थ है इंक्रीज इन परचेजिंग पावर। अभी देखते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंस फॉर नेशन, नेशन के लिए क्या इम्पोर्टेंस रहेंगी। तो जो फर्स्ट है प्रॉपर यूज़ ऑफ
नेशनल रिसोर्सेज, आपको पता ही है कि नेशनल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, और नेशनल रिसोर्सेज को जो बिजनेस जो होते हैं, कंपनीज वगैरह जो होती है, इंडस्ट्रीज होती है, अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए नेशनल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। जो नेशनल रिसोर्सेज होते हैं उन्हें वो लोग अपने उसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर रॉ मटेरियल की तरह उसका यूज़ करते हैं। तो मार्केटिंग की वजह से क्या होता है कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे इसका मतलब नेशनल रिसोर्सेज का भी ज़्यादा यूज़ होगा, अच्छा यूज़ होगा। और दूसरा, ये पता होता नहीं है कभी कभी कि नेशनल रिसोर्सेज हैं तो कहाँ हैं, ये कहाँ से मिल सकते हैं। तो जो मार्केट रिसर्च होती है, मार्केट रिसर्च भी मार्केटिंग का ही हिस्सा है, मार्केट रिसर्च करते हैं तो उसे सारी चीज़ें पता चलती है कि ये रिसोर्सेज कहाँ हैं। तो इस कहने का मतलब मार्केटिंग की वजह से नेशनल रिसोर्सेज का एकदम सही यूज़ हो पाता है, सही टाइम पर सही प्लेस पर सारी चीज़ों का यूज़ हो पाता है। इसके बाद में इंक्रीज़ इन नेशनल प्रोडक्ट, जो नेशनल प्रोडक्ट है, अभी आपको बताया मार्केट में डिमांड इंक्रीज़ होती है, डिमांड इंक्रीज़ होती है तो हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि हम उस डिमांड को सेटिस्फाई कर सकें, तो प्रोडक्शन भी जो है वो ज़्यादा होता है। देन आफ्टर है आपके थर्ड, प्रोटेक्शन फ्रॉम बिजनेस स्लम्स। बिजनेस के जो स्लम्स होते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, लॉस है, ब्लैकनेस, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कम होती है क्योंकि जो डिमांड है वो एकदम बैलेंस होने लगती है। और आपको पता ही कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, डिमांड ज़्यादा होती है तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है, इसलिए लॉस की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है। जो बिजनेस के स्लम्स हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट क्यों बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट क्यों बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट में जो है फॉरेन में हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड क्यों होगी, अगर वो अच्छी क्वालिटी के होंगे और दूसरा कम प्राइस में होंगे तो ही उनकी डिमांड होगी जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके अंदर। तो यहाँ पे मार्केटिंग की वजह से वो पॉसिबल हो पाता है, अच्छी क्वालिटी की चीज़ भी होती है और रिजनेबल प्राइस भी होती है, तो इस वजह से हमारे जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। फिर आगे है डेवलपमेंट ऑफ सब्सिडरी एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट हो पाता है। क्यों डेवलपमेंट होगा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का, क्योंकि जैसा पता है कि डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है तो प्रोडक्शन हम किससे करेंगे, रॉ मटेरियल से करेंगे, और ये सारा जो रॉ मटेरियल्स है वो हमें किससे मिलता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से मिलता है। तो अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का भी जो है इसकी वजह से डेवलपमेंट हो पाएगा। फिर इसके बाद में आगे है गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट का रेवेन्यू, गवर्नमेंट की इनकम भी बढ़ती है, क्योंकि आप ये जो बिज़नेस वगैरह सारा करते हैं तो इस बिज़नेस वगैरह की वजह से क्या होगा कि आपका प्रॉफिट बढ़ता है, आप इतने सारी चीज़ें करते हैं, आपकी डिमांड बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, सेलिंग बढ़ती है, ये सब होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो आप क्या पे कर पाएंगे, ज़्यादा टैक्स पे कर पाएंगे, और ये टैक्स किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास, रेवेन्यू की तरह जाता है। तो इस तरीके से टैक्स की वजह से गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो बढ़ता है, जिसको वो और सोसाइटी के लिए और बेनिफिशियल चीज़ों में उसको यूज़ कर पाते हैं। तो इस तरीके से आपके ये जो चैप्टर है, 6th चैप्टर मार्केटिंग, ये यहाँ पे हो चुका है कम्प्लीट। 6th चैप्टर मार्केटिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये सब आपके जो ये इम्पोर्टेंस वगैरह थी इसके अंदर करवा दी है। एक बार आपको खुद जो है इसको रीड करना पड़ेगा तब आपको बेटर समझ में आएगा। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम जो है 7th चैप्टर सेल्स प्रमोशन उसको स्टार्ट करेंगे। चलो यहाँ तक आपके 6th चैप्टर कंप्लीट।